कौनसा स्टाइल है पानी पीने का? She is looking hot, you know. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. और ये मेरा पहला व्लॉग है. सो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँगा. मेरा नाम अमन राणा है और बेसिकली मैं खटीमा से बिलोंग करता हूँ. ये उत्तराखंड में है और हमारे डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर. रिसेंटली मेरी शादी हुई है, एक महीना भी नहीं हुआ होगा. तो मैं आपको अपनी वाइफ से मिलवाऊँगा, आगे व्लॉग में दिखी जाएगी वो. ये वीडियो तो ज़रूर अपलोड होगी क्योंकि मेरे से दो वीडियो कट गई हैं मेरी लापरवाही की वजह से. लापरवाही तो नहीं कह सकते उसको, क्या कर सकते हैं. किस्मत जो होती है ना, पांडु किस्मत, वो हुआ मेरे साथ. तो चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है. और आज हमारा कहीं जाने का प्लान है. हम वैसे टनकपुर जा रहे हैं बूम चौकी. तो आप वीडियो को देखते रहें और इन्जॉय करें. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी. पहले हम रेडी हो जाते हैं, मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा अभी. आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि ये जहाँ पे मैं हूँ अभी इस टाइम, ये मेरी बड़ी दीदी का ससुराल है. तो पहले वीडियो मैं यहीं पे शूट कर रहा हूँ कोइंसिडेंटली. क्या कर सकते हैं, मैंने जो वीडियो बनाई थी तो वो तो कट गई. यहाँ से ही मैं शुरू कर रहा हूँ क्योंकि हम कल शाम को ही दीदी के यहाँ पर आ गए थे कल शाम को. और आज सुबह मैं अभी ये ब्लॉग बना रहा हूँ. तो फिर चलो, बहुत टाइम हो गया, अभी 10 बज गए, हमें जाना भी है. तो पहले हम रेडी होते हैं फिर चलते हैं. तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सब तैयार हो चुके हैं और अब हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर में. तो ज़्यादा जने होने की वजह से हम दो गाड़ी ले आ रहे हैं. ये दीदी की है और ब्लैक वाली मेरी है. तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं. अरे चलो यार. One eternity later. सजना जी मैंनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब दूजे रब की कोई खोज नहीं. तो फ्रेंड्स, हम निकल रहे हैं अभी यहाँ से. दीदी है मेरी, हाय कर दो मैडम. ये जानते हो आप इसे, हमारी वाइफ है मैडम जी. दीदी लोग तो अभी मेरी भांजी के पेरेंट्स मीटिंग में गए हैं स्कूल, तो उनको टाइम लगेगा, तब तक हम निकल रहे हैं. वो हमें खटीमा चौराहे में मिलेंगे. सजना जी तेरे बिना जिया लागे ना, हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीर साथ मांगे गेरों का रंग भावे ना, किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे हा, परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी होली में बता दिया. सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए खटीमा. दीदी लोगों का वेट कर रहे हैं, इतने दिन से बोल रहे थे तो पता नहीं वो कब आए. हमें तो एक घंटा हो गया वेट करते करते. थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे वो, अभी फोन करा था हमने, वेट कर रहे हैं उनका. फाइनली गाइस, दीदी भी पहुंच चुकी है बच्चों को लेकर, और मम्मी भी आई हैं, मौसी भी आई हैं. और उस गाड़ी में तो जगह हो नहीं पा रही है, तो ये हमारी गाड़ी में आ रहे हैं बच्चे. तो फ्रेंड्स, हमने फ्यूल भी भरवा लिया है, अब हम चलते हैं सीधा बूम में, मिलेंगे आपको. सो फाइनली गाइस, हम पहुंच गए हैं टनकपुर बूम. एक चीज़ दिखाता हूँ मैं तुम्हें, बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी जगह है ये. आप भी आओ यहाँ पे एंजॉय करना, बहुत मज़ा आ रहा है हमें तो. अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें एक चीज़, बहुत प्यारी है, देखो गाइस क्या नज़ारा है यार, मज़ा आया. मैं भी पहली बार आया हूँ यहाँ पे. अब चाहे जिंदगी
बहुत अच्छी सी। और हमने अपनी कार वहाँ पे खड़ी कर रखी है दोनों। और ये रहा वो सीन। फ्रेंड्स पार्किंग के हमसे 150 रुपये लिए पर व्हीकल। शायद टू व्हीलर का सस्ता लेते हों लेकिन हम तो कार से आए थे तो 150 रुपये लिए हमसे। बहुत अच्छी जगह है ये। ये देखो अब मम्मी यहाँ पे आ रही है। नजर यहाँ है हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत आते हुए जिंदगी। एक मैडम हमारी और बची है वो देखो। तो दीदी लोग यहाँ पे फोटोशूट कराने लगे हैं इतनी जल्दी। देख रहे हो फोटोशूट उनका चालू हो चुका है। घर से ही बनाना है। क्या बोलते हैं रे उसमें? क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स जहाँ हम आए ये टनकपुर से 8 किलोमीटर आगे है अंदर को। टनकपुर से तो हमें बहुत टाइम लग गया। हम भूल गए थे रास्ता कौन सा भूल गया थे। हमें पता ही नहीं था हम तो पहली बार आ रहे हैं। तो फिर हमने मैप में डाला गूगल बाबा जिंदाबाद तो हमें पहुंचा दिया गूगल बाबा ने। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं नीचे वहाँ नदी की साइड। वहाँ पे थोड़ा शूट वूट करेंगे और फोटो वगैरह खिंचाएंगे। साफ पानी है बहुत साफ। इसको हम पी भी सकते हैं। देख रहे हो पानी जैसे कि मैं बता रहा था अभी आपको मैं पानी पी भी सकता हूँ। ये वाला ये जो है तो अभी देखना मेरा स्टाइल कैसे पीता हूँ मैं इसे। ये कौन सा स्टाइल है पानी पीने का? ये देखिए हमारे हस्बैंड कैसे पी रहे हैं पानी। इनका तरीका कुछ अजीब सा लगा। फाइनली गाइस हम नदी के वहाँ से निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं अभी दूर मंदिर भी है यहाँ पे। वहाँ का आपको व्यू दिखाइए। जगह को हमें टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। और मम्मी का अभी फोटोशूट दिखाता हूँ। चश्मा पहन के मम्मी फोटोशूट करा रही है अपना। ये देखो गाइस मम्मी को फोटो शूट। देखो चश्मा लगा के ओह माय गॉड शी इज लुकिंग हॉट यू नो। हम तो फोटो शूट चल रहा है टोपी बाहर पकड़ लो ना एक साइड से ऐसे करके। हाँ बस गाना चला देंगे इसमें ग्वाल बीच में। ये अभी वीडियो कॉल आ रखी थी और पापा मम्मी से वीडियो कॉल में बात कर रहे हैं। अरे अब ले आई हूँ रेड ने ज़्यादा बढ़ाओ ना।
पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। पापा जी तो रहा नहीं गया, मम्मी ने वीडियो कॉल लगाई थी। वीडियो कॉल पराठे लाए थे तो पराठे खाएंगे, आलू के पराठे। आलू के पराठे किसके पराठे हैं? आलू के पराठे, आलू और पनीर के पराठे। मजा आ गया। चलो भैया परोसो हमारे लिए। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल अभी हम मंदिर जा रहे हैं, भूम मंदिर, वहाँ का आपको व्यू दिखाते हैं। अभी ये 3 बजे खुलेगा लेकिन हम जल्दी पहुँच गए, अभी 1:30 बजे हैं तो क्या कर सकते हैं, इतना वेट तो हम कर नहीं सकते। आपको हम बाहर से ही दिखा देते हैं, ये है भूम मंदिर। अभी हम रुक गए हैं यहाँ पे ये फ़ोटो शूट कराने के लिए, बहुत अच्छा ब्रिज लग रहा है। यहाँ पे हम फोटो शूट कराते हैं, उसके बाद हम निकलेंगे दीदी के घर। हमें अपना सामान लेना है क्योंकि मेरे एयरपॉड्स रह गए हैं वहाँ पे दीदी के घर, अभी लेने जाना है। पहले फोटो शूट कराते हैं उसके बाद चलते हैं। टीका अभी फोटो शूट खत्म ही नहीं हुआ है और सब लोग अपनी गाड़ियों में बैठे पड़े हैं और इनका तो अभी स्टार्ट ही हो रखा है, इनका खत्म लेने का नाम ही नहीं है। और चलो चले चले चलो 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 लगी हुई है। हमारा फोटो शूट खत्म हो चुका है, अब हम आपको मिलते हैं सीधे दीदी के घर, सीधे डायरेक्ट। अभी हम पहुंच गए दीदी के घर, दीदी तो अभी आई नहीं है लेकिन हम पहुंच गए क्योंकि दीदी का कुछ काम था, उसमें दूसरा रूट ले लिया था, अभी आने वाली है वो थोड़ी देर में। फिर उसके बाद हम पहले यहाँ पे खाना खाएंगे क्योंकि दीदी लोगों ने, दीदी जीजा आ रखे हैं तो उन्होंने दावत करी हमारी, तो पहले हम यहाँ पे खाएंगे उसके बाद हम अपने घर जाएंगे, फाइनली अपने घर जाएंगे क्योंकि हमें 2 दिन हो गए यहीं पर हैं तब से। तो हम सब लोग दी के घर से जा रहे हैं और अपने घर के लिए निकल रहे हैं, अभी सब लोग मिल रहे हैं दीदी जीजा से। चलो अब आपको सीधे मिलते हैं घर में। हम तोड़ गए जब तुम चुके, सो फाइनली गाइस हम घर पहुंच गए। हमने वहां पे बहुत इंजॉय करा, बहुत सारी चीज़ें देखी, नई नई अच्छी चीज़ों का एक्सपीरियंस लिया। अगर आप जाना चाहते हो घूम तो जाएं, बहुत अच्छा है वहां पे। मेरी हालत तो बहुत डाउन हो चुकी है, मैं थक चुका हूं बहुत। इसको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून और अपना ख्याल रखना। सो बाय।